Welcome to Shortcut Children. This is Shine Sir. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं वो आप देख सकें. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम आवर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 10th. ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. ये चैप्टर जो है ये तीन पार्ट में बांटा गया है. इसके तीन अंदर सब पार्ट्स हैं. दैट इज फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज कुर्क एंड थर्ड इज टी फ्रॉम असम. सो वी विल टुडे स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा. नाउ दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. तो ये जो चैप्टर है ये गोवा के जो ट्रेडिशनल बेकर्स रहते हैं, जो बेकरी वाले जो रहते हैं, जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, उनके ऊपर है. ट्रेडिशनली जो लोग बनाते हैं, आज भी उनका इंपॉर्टेंस गोवन सोसाइटी के अंदर, गोवा की सोसाइटी के अंदर कितना ज़्यादा है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. आर एल्डर्स आर ओपन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स might have vanished but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो ancestors थे, जो यहाँ से चले गए हैं, हमारे elders जो थे, वो आज भी अपने पुराने दिनों को बड़े मतलब शौक से याद करते हैं, यानी कि वो अच्छे दिन थे. ऑब्वियसली हम अच्छे दिनों को दोबारा याद करना चाहते हैं और खराब दिनों को जल्द से जल्द भूलना चाहते हैं. तो वैसे उन दिनों को वो याद करते हैं. वो कौन से दिन थे? जब गोवा के ऊपर पोर्टुगीज रूल था, यानी कि पुर्तगाल के लोगों का जब रूल था, जो कि आप सोशल साइंस क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया. तो पोर्टुगीज लोग जो थे वो लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड खाते थे ज़्यादा, और लोव्स यानी कि ब्रेड के जो बंस रहते हैं, जो ब्रेड रहता है, वो बनाने वाले आज भी जीवित हैं और खाने वाले चले गए. यानी कि जो लव करते थे, जो लवर्स थे, जो ईटर्स थे लोव्स के, यानी कि जिनको लोव्स बहुत पसंद थे, ब्रेड के जो टुकड़े बहुत पसंद थे, वो लोग चले गए इस धरती से, लेकिन बनाने वाले आज भी हैं. यानी कि देर आर मेनी मेकर्स स्टिल देयर इन गोवा. और इनके अंदर कौन कौन है? मिक्सर्स हैं, मतलब जो ब्रेड, ये लोव्स बनाने का जो काम होता है, बेकिंग का जो काम होता है, ये अलग अलग तरीके से किया जाता है. पहले मिक्सिंग के लिए काम होता है, कुछ मिक्सर्स होते हैं जो मिक्सिंग का काम करते हैं, फिर मोल्डर्स होते हैं जो उसको शेप देते हैं, और फिर लास्ट में बेकर्स जो कि लोव्स को बेक करते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. आज भी वो जो पुरानी फर्नेसेस हैं जिनके अंदर इनको पकाया जाता है, जिसमें इनको बेक किया जाता है, वो आज भी अवेलेबल हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. आज भी जो ये फायर है, जो उन भट्टियों के अंदर जो आग जल रही है, वो आज भी वैसे ही जल रही है, उसको आज भी बुझाया नहीं गया है. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pader in Goa. आज भी जो बेकर्स हैं, जो कि गलियों में ब्रेड बेचने के लिए निकलते हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके से आज भी उनका जो आना होता है, जब वो सुबह आते हैं, उसको सुना जाता है. कैसे? जब वो अपने बैम्बू का जो उनके हाथ में रहता है एक स्टिक, उसको जब ज़मीन पे मारते हैं या फिर घंटी वगैरह बजाते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग उनसे ब्रेड खरीदने के लिए बाहर आ सकें. आज भी उसी साउंड को सुबह सुबह सुना जाता है. हो सकता है जो ब्रेड बेचने वाला है उसके फादर जीवित ना हो, लेकिन जो बेटा है आज भी वो उसी प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहा है. यानी कि हो सकता है जो व्यक्ति आपके पास आज ब्रेड बेचने आ रहा है, उसके फादर पहले बनाते थे ब्रेड और वो गुजर चुके हैं, लेकिन उनका बेटा जो भी आपके पास ब्रेड बेचने आया, वो आज भी जीवित है और उसने अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाया है. और जो बेकर्स हैं, आज इनको पादर के नाम से जाना जाता है या पैडर के नाम से जाना जाता है गोवा के अंदर.
ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड. जब हम छोटे थे, जब हम लोग बचपन में थे, उस समय जो गोवा के अंदर जो बेकर्स होते थे, द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड. बेकर हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन साथी और गाइड भी होते थे. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. बेकर जो था वो हर रोज दो बार आता था. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट. सुबह जब वो बेचने के लिए निकलते थे चीज़ें, उस समय वो आते थे एक तो, और दूसरा जब वो बेचने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाते थे, यानी कि जब उनका ख़त्म हो जाता था सामान, तब वो वापस घर जाते हुए भी देख वहाँ पर रास्ते से गुजरते थे, यानी कि उनको दो बार देखा जाता था. और वो दोनों बार कब कब, जब वो बेचने जाते थे और जब वो बेचकर आते थे तब. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. उसका जो जिंगलिंग साउंड, जो उसकी घंटी का साउंड रहता था, वो इतना ज़बरदस्त होता था, इतना प्यारा लगता था खासकर बच्चों को, कि वो दौड़ के, बच्चे जो सो रहे होते थे भले, वो फटाफट जाकर दौड़ कर उसको मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए वो बाहर भागते थे. किसकी बात कर रहे हैं? बेकर की बात कर रहे हैं. वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल. द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. अब जो बच्चे उसको दौड़ते थे ग्रीट करने के लिए, वो किस लिए दौड़ते थे? क्या उनको ब्रेड्स का लालच था, लोव्स ऑफ ब्रेड्स का? नहीं, ब्रेड लेने का काम तो घर के नौकरों का होता था, जो मेड्स होती थी घर के अंदर, सर्वेंट्स होते थे, उनका होता था. और बच्चे जो थे, बच्चे जो वेट करते थे, बच्चे एक्चुअल में उसको मिलने क्यों जाते थे बेकर को? क्योंकि जब वो वापस आता था या जाता था, उस समय ब्रेड बैंगल्स, यानी कि बैंगल्स के शेप में जो ब्रेड के बंचेस होते थे गोल गोल, वो लेने के लिए वो दौड़ते थे, जिसको वो बड़े केयरफुली चूज करते थे, बड़े ही ध्यान से वो चूज करते थे. और कभी कभी तो वो स्पेशल ब्रेड होता था, यानी कि एकदम मीठा स्वीट ब्रेड होता था, तो इसलिए बच्चे बेकर से मिलने के लिए उत्साहित होते थे. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ. अब बेकर जो था वो म्यूजिकल एंट्री करता था, एक साउंड, स्पेशल साउंड जो उसकी बैम्बू स्टिक से निकलता था, उस तरीके से वो आता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. एक हाथ से आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आजकल आप देखते हैं ना चना बेचने वाले लोग जो होते हैं, वो लोग किस प्रकार से एक हाथ से अपने सर पे टोकरी को पकड़ के रखते हैं, दूसरे हाथ से यहाँ पर इसके हाथ में बैम्बू होता था, जिसको जमीन पे पछाड़ता था, जमीन पे जोर से मारता था, और उससे साउंड क्रिएट होता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड, सॉरी, वन हैंड सपोर्टिंग द बास्केट ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. अब जो बेकर था, वो उस लेडी को, जो भी लेडी घर के अंदर से सामान लेने आई है, ब्रेड लेने, उसको ग्रीट करता था गुड मॉर्निंग से, और फिर उस बैम्बू के ऊपर अपने बास्केट को टिका देता था, रख देता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. अब बच्चे जो थे, बच्चे उसको आकर घेर लेते थे, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि बच्चों को आदत होती है छेड़छाड़ करने की, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा डांट कर, यानी कि थोड़ा सा उसको स्कोल्ड करके साइड में भगा दिया जाता था. और फिर जो डिलीवरी जो थी, यानी कि जो ब्रेड के लोव्स जो थे, ब्रेड जो है वो सर्वेंट को दे दिए जाते थे ताकि वो अंदर ले जा सके. बट वी वुड नॉट गिव अप. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और ऑन द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ. बच्चे जो हैं वो भी गिव अप नहीं करते थे, वो हार नहीं मानते थे, नेवर गिव अप. वो बच्चे किसी भी ऊंची जगह पर, यानी कि या तो पैरापेट पे चढ़ जाते थे छत के ऊपर, या फिर जो चार दीवारी रहती है उसके ऊपर, या बेंच के ऊपर खड़े रह के भी उसके बास्केट के अंदर जरूर वो झांकते थे. समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. आज भी जो लेखक है उनको उन ब्रेड लोव्स की फ्रेग्रेंस, उनकी महक याद है. लोव्स वर फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. जो बच्चे होते हैं उनके लिए बैंगल्स होती थी, यानी कि जो बास्केट के अंदर जो ब्रेड थे वो बैंगल शेप में होते थे, तो वो जो बैंगल शेप के जो थे वो बच्चों के लिए होते थे, और जो लोव्स होते थे वो बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए होते थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ एंड वॉश आर माउथ प्रॉपरली.
उसको खाने के बाद बच्चे जो हैं, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि हम अपने दांत साफ करना, हाथ मुंह साफ करना भी भूल जाते थे, हम तो मजे से उसको खाने में बिजी हो जाते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों करें, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द टूथ ब्रश। अब कौन इतनी मतलब ब्रश करने की कौन जहमत उठाएगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जैसे कि हम बच्चों को कह देते हैं शेरों को ब्रश किसने करवाया, शेर थोड़ी जंगल में ब्रश करते हैं, शेर जो कि जंगल का राजा है वो थोड़ी ब्रश करता है कभी, बट फिर भी वो जंगल का राजा है। तो उसी प्रकार बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि शेर थोड़ी कभी ब्रश करते हैं, तो इस कारण से वो नहीं ब्रश करते थे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरी थिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और उसके बाद जब वो चाय पीते थे बच्चे, तो उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली वॉश हो जाता था। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों का कितना ज़्यादा जो क्रेज था, कितना ज़्यादा लगाव था उस बेकर के साथ। नेक्स्ट कम्स, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। उस समय जो मैरिज यानी कि शादियों के समय जो गिफ्ट दिए जाते थे, उसमें जैसे हम मिठाइयाँ वगैरह देते हैं, उस समय की जो शादियाँ वहाँ होती हैं गोवा में, वहाँ पर विदाउट द स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड जरूर दिया जाता था शादियों के अंदर, स्वीट ब्रेड जिसको बॉल भी कहा जाता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब बिना एक फीस्ट के यानी कि बिना एक ब्रेड की पार्टी के शादी जो थी वो बिल्कुल बेरंग नजर आती थी। भले कुछ भी किया हो शादी के अंदर, लेकिन अगर ब्रेड नहीं है, स्वीट ब्रेड नहीं है, दैट मीन्स द मैरिज वॉज मीनिंगलेस। वो पार्टी उतनी निखर कर सामने नहीं, लोग उसको उतना ज़्यादा सराहना उसकी नहीं करते थे अगर उसमें ब्रेड अवेलेबल नहीं है। अब इतना सुनने के बाद हम जान सकते हैं कि जो बेकर होता था विलेज का, उसकी कितनी अहमियत थी गोवा में उन दिनों। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की जो लेडी होती थी वो अपनी डॉटर के एंगेजमेंट के समय सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिनाज, ये भी कोई खाने वाली डिश है जो गोवा में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये चीज़ें बनाई जाती थी क्रिसमस के दौरान। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता था, बेकर का फर्नेस चाहिए होता था। तो ये जो बेकर की फर्नेस थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, ये हम यहीं से अनुमान लगा सकते हैं। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. उस समय के जो बेकर्स होते थे या ब्रेड सेलर्स जो होते थे, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जिसको नाम दिया गया है kabai. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये जो था कपड़ा काबाई जो था वो लंबी एक ड्रेस फ्रॉक टाइप होता था जो कि घुटनों तक जाती थी। इन आर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अब बचपन में जब लेखक अपने बचपन में थे, चाइल्डहुड में थे, तो इन्होंने जो इनके समय पर जो बेकर्स थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, इन्होंने देखा है कि जो बेकर थे वो पैंट्स पहनते थे और शर्ट्स पहनते थे, और पैंट जो होती थी वो घुटनों से नीचे और नी अपनी एंकल से थोड़ी ऊंची होती थी, यानी कि वी कैन से टुडेज कैप्री। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। आज भी अगर कोई उस तरह से हाफ पैंट से लंबी कोई कपड़े पहनता है जो कि नीज से थोड़ा ऊंचा रहता है, तो उसको लोग कमेंट करके कहते हैं कि ही इज लुकिंग लाइक अ पैडर। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब जो बेकर जो था वो अपना बिल जो था वो महीने के अंत में लेता था, जैसे कि आफ्टर द मंथ इज कंप्लीटेड ही विल पिक अप द बिल्स, वो अपने बिल्स कलेक्ट करेगा। और मंथली जो अकाउंट होता था, जो हिसाब किताब होता था, वो दीवारों पे ऐसी पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इन डीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट। बेकिंग जो था पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम माना जाता था, और उस समय कोई भी बेकर फैमिली जो थी वो कभी भी भूखों नहीं मरी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। बेकर, उसकी फैमिली और इवन बेकर के जो सर्वेंट्स होते थे, उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज जो होते थे, वो भी हमेशा खुश खुशहाल देखने को मिलते थे, यानी कि उनके पास काम की पैसे की कमी नहीं थी। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस। उनका जो
हट्टा कट्टा स्ट्रक्चर होता था, यानी कि बॉडी जो होती थी एकदम, खाते पीते घरों के लोग कैसे होते हैं मोटे मोटे, वैसे वो होते थे। तो इससे पता लगता था कि वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं है, यानी कि उनके पास पैसे की, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कम्पेयर टू अ बेकर। आज भी अगर कोई व्यक्ति जैक फ्रूट जैसी पर्सनैलिटी, यानी कि जो कि बहुत हेल्दी हो, उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है। तो बेकिंग जो था उस समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन माना जाता है, बहुत ही सराहना की जाती है इस प्रोफेशन की। और उस समय जो बेकर्स थे वो किस प्रकार से इस सोसाइटी का एक अनमोल हिस्सा थे, यानी कि उनके बिना सोसाइटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। और किस प्रकार से बच्चों का उनसे प्यार था, किस प्रकार से पूरी सोसाइटी में उनकी इज्जत थी, कैसे वो अपना काम करते थे, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। होपफुली यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे वीडियोज रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर, ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द क्लासेज यू विल गेट द वीडियोज हेयर ओनली एट वन स्टॉप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।